सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर। सहारा निवेशकों का पैसा जल्द होगा वापस। अब 50,000 रुपए तक मिलेगा रिफंड। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। लंबे समय से सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशक अपने पैसे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि निवेशकों को अब अपने निवेश की राशि एक बार में 50,000 रुपए तक निकालने की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया समूह भारत के सबसे बड़े निवेश समूहों में से एक है, जिसने दशकों तक अपने ग्राहकों का विश्वास जीता है। सहारा इंडिया ने अपने विभिन्न निवेश योजनाओं जैसे कि सहारा सेविंग बॉन्ड्स और अन्य निवेश साधनों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों का निवेश प्राप्त किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समूह पर लगाए गए कानूनी और वित्तीय मामलों के कारण निवेशकों को अपने पैसे वापस मिलने में कठिनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जो है सहारा इंडिया की संपत्तियों को जब्त किया गया और निवेशकों के पैसे की वापसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इसमें जो है तेजी लाई जा रही है। जी हाँ, सहारा इंडिया परिवार से जुड़े लाखों निवेशकों के लिए ये खबर बड़ी राहत लेकर आई है कि वे अब एक बार में 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे पहले निवेशकों को छोटे छोटे हिस्सों में अपनी राशि वापस मिल रही थी, जिससे उन्हें काफी सुविधा हो रही थी। अब निवेशकों को बड़ी राशि एक बार में निकालने का मौका दिया जा रहा है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि सहारा इंडिया ने अपनी निवेश योजनाओं के तहत निवेशकों को अब 50,000 रुपए तक के निकाश करने की अनुमति दी है, जिसके तहत निवेशक अपनी जमा की गई राशि में से एक बार में 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित होगी। वैसे निवेशक अपनी जमा राशि की निकासी के लिए संबंधित दस्तावेजों और आवश्यक प्रमाणों को प्रस्तुत करके सहारा इंडिया के अधिकृत केंद्रों पर जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। निकासी की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निवेशक निकासी की प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बता दें कि सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों की सुविधा के लिए एक सूची जारी की है, जिसमें उन लोगों के नाम है जो पैसे निकालने के जो है पात्र है। निवेशक सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे जो है पैसे निकालने के पात्र हैं या नहीं। इसके अलावा सहारा इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय और ग्राहक सेवा केंद्रों पर भी ये सूची उपलब्ध कराई गई है। वैसे बता दें कि सहारा इंडिया समूह की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशक का करीब 1,00,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इनमें से बिहार के 33,000 निवेशकों के लगभग 410 करोड़ रुपए भी फंसे हुए हैं। खैर, अब उन्हें उनके पैसे जो है लौटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।